subscribe to Shimaru Movies and hit the bell icon to never miss an update. आज की तारीख क्या है मुन्नी? आज की तारीख 28 जनवरी 1948। अच्छा लिखो, अयोध्या के राजा दशरथ। आज धर्मतल्ला और हैरिसन स्ट्रीट में दो गुटों के बीच हुए टकराव से आगे तो बहुत तनावपूर्ण बना हुआ है। अलग अलग हुई हिंसक घटनाओं में क्या हुआ मारे जाने की खबर है। मुन्नी, लगभग एक तेरे बाबूजी अभी तक नहीं आए हैं, बहुत चिंता हो रही है। भारत में विलय के पक्ष में है, मगर निजाम ने किसी भी पहुँचने के लिए सितम्बर तक का वक्त मांगा है। देश के तमाम प्रमुख बुद्धिजीवियों ने दोनों समुदायों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। सभी शरणार्थी अपने शिविरों से शांति स्थापना के संदेश महात्मा गांधी तक पहुंचा रहे हैं। आपको पता है, सबने वादा किया, आज फिर से दंगे हो गए। ये रोज रोज के दंगे ना, गांधी ने कहा है पानी दो। फैलाने की कोशिश हुई तो वे दोबारा उपवास करेंगे, और अगर दिल्ली के हालात सामान्य हो जाते हैं तो वे पाकिस्तान जाएंगे। मालूम है, हमारी मुन्नी बहुत होशियार हो गई। आज हिंदी में सारी मात्राएं बिल्कुल सही। और वहां फैली हिंसा को रोकने की कोशिश करें। बापू ने उन्हें इस बात का आश्वासन दिलाया कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे और लोगों से अपील करेंगे कि वो इस तरह की हिंसक घटनाओं का समाधान। आदमी सब खत्म करके मानेगा। आज खा लो, कल तुम्हारे लिए हलवा बनाऊंगी। पसंद है ना? अरे वाह चुनिया, कल तो हलवा बनेगा। घोष बाबू ने दिया कुछ? जब बात खाली हो ना,
तो अपना ही मुंह नहीं खुलता सुधा, कब तक उधार मांगूंगा? पता है आज सफिया के अब्बू आए थे, सबका हाल चाल पूछ रहे थे, पूछ रहे थे कि हमारी मुन्नी कैसी है और कह रहे थे कि अगर कोई जरूरत हो तो। हाँ, जरूरत हो तो उनसे ही मांगे ना, हम भाई एक मदद के लिए बच गए, आजादी तो उन्हीं को मिली है। सुनिए, खाना तो खा लीजिए। सुनिए, फिर वही सपना देखा गया। समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। इतने महीने हो गए बिना नौकरी के, ये सब दंगे फसाद की वजह से कोई काम धंधा भी नहीं, सब ठप हो रखा है। हाँ, बनिया भी बोल रहा था कि आगे सामान नहीं देगा। सही तो बोल रहा है, कोई कब तक उधार देगा? अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं, जब तक यहाँ के हालात ठीक नहीं हो जाते क्यों ना हम गांव चले। क्या सोचने लगे? माँ का सामना कैसे करूंगा, 10 साल हो गए, माँ ने मुझे माफ नहीं किया। आपको कैसे पता कि माफ नहीं किया? हो सकता है माफ कर दिया, और अगर माफ किया होता तो एक खत तो लिख सकती थी। पता नहीं ऐसा क्या पाप कर दिया मैंने। अब तो अपनी मर्जी की खुद की जिंदगी बसा, मगर उसके लिए तुझे अपने वंश और पूर्वजों की विरासत से हमेशा के लिए संबंध तोड़ना पड़ेगा। मां, अगर आप ऐसा करेंगी तो मैं कभी लौट कर नहीं आऊंगा।
ईश्वर तुझे ऐसा करने की शक्ति दे बेटा। जैसी मां जिद्दी वैसा ही बेटा भी जिद्दी। आपने भी तो उनकी कोई खोज खबर नहीं ली। दूर उन्होंने किया था, पास भी उन्हीं को बुलाना चाहिए। इतने साल तड़पा हूं मैं मां के लिए। क्या वो नहीं तड़पी होंगी आपके लिए? लेट जा, जिके खेल ले। अरे चलो चलो जल्दी, गाड़ी निकल जाएगी बेटा, जल्दी चलो। बुला लीजिए उन्हें, वो आपके साथ हैं, नहीं तो गाड़ी छूट जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ, आपकी खेती बाड़ी? हाँ खेती बाड़ी है, अब जाके वही करनी पड़ेगी। चलो आगे देखते हैं। आगे ठीक है, आपके कितने बच्चे हैं? नौ। अरे ये सामान अपना हटा के रखे ना एक तरफ। चार लड़की है। चलो ये भी अच्छा है, खेती बाड़ी में। अरे लकड़ी किसने रख दिया है यहाँ? अरे नहीं चाहिए भाई। हाँ चलो आगे। ओह मैं देखता हूँ, मुझे दीजिए। भाई साहब क्या ये आपके साथ हैं? हाँ। ए भाई ए, उठाओ इनको, रेल का डिब्बा है, कोई सोने की जगह नहीं है। इनकी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं है तो रेल में काहे ले आए थे? अरे अभी तो हंस बोल रही थी आपसे मतलब। अरे उठा दीजिए, बैठने दीजिए औरों को भी। अरे आप लोग क्यों बीच में कूद रहे हैं? आप लोग तो आराम से बैठे हैं ना, बैठे रहिए। अरे हम लोगों को तो बैठना है। अरे शांति रखिए भाई, शांति रखिए, जरा जरा सी बात पे दंगे हो रहे हैं, शांति रखिए, बैठने दीजिए औरों को भी, बैठ जाने दीजिए। ठीक है, ए उठो, किसको उधर? और रखो सामान ऊपर, बैठाओ। अरे पांव हटाओ। अरे अरे भैया आराम से। तो देखा, अरे देख रहे हैं आप लोग? बिटिया ये चटकारा क्या होता है? आपको चटकारा नहीं मालूम? चटकारा मतलब मुन्नी पानी पियोगी? नहीं। संभाल माफ कीजिए। पानी गिरना शुभ होता है, देखिए ना इधर पानी गिरा, उधर रेल चल दी। बेटा चुपचाप बैठो। बाऊजी रेल कैसे चलती है? मैं बताता हूँ, गुब्बारा दो, छोड़ दो इसे। जैसे गुब्बारे के पीछे से हवा निकली तो गुब्बारा आगे निकल गया, वैसे ही इंजन से भाप जब पीछे की तरफ निकलती है तो ये आगे चलती है। ये लो, रख। समझ गए? अब रख ले। अरे कहाँ रखी है चाबी? ठीक से देखो, उसी में होगी। बेटा लोगों को परेशान मत करो, बैठ जाओ। खेलने दीजिए, खेलने दीजिए, बच्ची है। बिटिया हमको भी तो दो अपनी गुड़िया, हम भी खेलेंगे। नहीं गुड़िया रहने दीजिए भाई साहब, इस गुड़िया में इसकी जान बसी हुई है।
किसी को छूने भी नहीं देती है, मुझे भी नहीं, है ना? आप लोग कहाँ तक जा रहे हैं? हम सासाराम तक। सासाराम? कल 31 तारीख को पहुंचेंगे आप, तो खास सासाराम जा रहे हैं? नहीं, वहाँ से 5 मील दूर नारायणपुर गांव है हमारा। ओ, आप कहाँ जा रहे हैं? बनारस, वहाँ एक गांव में अध्यापक हूँ, दिवाकर नाम है। कैलाश, कैलाश सिंह। मुन्नी बिटिया को तो सब जान ही गए हैं, है ना? और आप? जी मैं सुधा। ये मेरी धर्मपत्नी है। और आप लोग? हम नरेंद्र, ये हमारा बड़ा भाई है वीरेंद्र। सगे भाई? जी जी सगे भाई। अरे वाह। आप महाशय? मैं गोपाल चौबे। ब्राह्मण देवता, नमस्कार नमस्कार। सबसे परिचय इसलिए कर लिया ताकि किसी के मुंह से कोई ऐसी बात ना निकल जाए जो दूसरे को चुभ जाए। आजकल का माहौल तो हम सब देख ही रहे हैं। ईश्वर की कृपा से कोई मुसलमान नहीं है यहाँ। हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे दुखद काल है ये। दुख का कहे, अरे आजादी मिला है, इतना खुशी का बात है, और आप ऐसा बोल रहे हैं? आजादी की खुशी, आजादी की खुशी देश के बंटवारे और उससे भड़की हिंसा की आग में जलकर भस्म भी तो हो रही है मेरे दोस्त। ये तो खैर है, ये है, हम अखबार में पढ़ा हूँ कि हिंदू मुस्लिम दंगा में 10 लाख लोग मारा जा चुका है। 10 लाख? कितनों की तो गिनती भी नहीं हुई होगी। 70 लाख हिंदू पाकिस्तान से भागकर यहाँ आए और लगभग इतने ही मुसलमान यहाँ से भागकर पाकिस्तान गए। सोचो तो दिल दहल जाता है। आप लोग तो कहीं सुनी कह रहे हैं, हम तो भुक्त भोगी हैं। आपके साथ क्या हुआ? करीब 1.5 साल पहले मुसलमानों ने अपनी ताकत दिखाने के लिए पूरी तैयारी के साथ में हमला किया था। 4,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, न जाने कितने ही घर, दुकानें, फैक्ट्रियां जलाकर राख कर दी। मेरी भी फैक्ट्री उसमें से एक थी। लाखों लोगों की तरह मैं भी बेरोजगार हो गया। कई जगह छोटी मोटी नौकरी की, पर वो भी ज्यादा दिन नहीं चली। और ये सब इन मुसलमानों की वजह से। कैलाश बाबू, मैं आपका दुख, आपकी नाराजगी समझ सकता हूँ, मगर नफरत की आग जब भड़कती है तो ना कोई हिंदू रहता है ना मुसलमान, सब हैवान बन जाते हैं। इसलिए बापू कहते हैं। नाम मत लो उस आदमी का मेरे सामने। बापू, ये आपके M.K. गांधी है ना, उन्हीं की वजह से ये करोड़ों मुसलमान इस देश में रुके हुए हैं, और उनकी वजह से कभी भी कहीं पे भी दंगे भड़कते रहते हैं और भड़कते रहेंगे। भाई जी सही कह रहे हैं आप। और अब आपके महात्मा जी पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिलाने के पीछे पड़े हुए हैं। देखिए कैलाश बाबू, बंटवारे के वक्त ये तय हुआ था कि 75 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दिए जाएंगे। 20 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं, बाकी के 55 करोड़ उनके हक के हैं। कमाल का तर्क कर रहे हैं आप।
बंटवारे के बाद में पाकिस्तान ने अपने घुसपैठियों को कश्मीर में घुसा दिया था। अगर ये 55 करोड़ रुपए उन्हें मिलेंगे तो वो हिंदुस्तान पर और हमले ही तो बोलेंगे, और आपके महात्मा जी वो तो दुनिया भर में बस अपना ही महात्म दिखाना चाहते हैं। मुन्नी डरो नहीं, सब ठीक है। मुन्नी बिटिया डरिए मत, आपके बाऊजी रेल चल रही है ना, इसलिए थोड़ा जोर जोर से बोल रहे हैं। देखिए मुन्नी बिटिया भी डर गई, इसीलिए किसी भी सार्वजनिक स्थान पर हमें कोई भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे किसी को ठेस पहुंचे, वो भी जब माहौल इतना ज्वलनशील हो। क्यों पंडित जी? हाँ हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। माँ पानी, प्यास लगी है। पानी? बेटा जब तुमको पहले बोला था तब तुमने मना कर दिया। मुन्नी बिटिया ये लो पानी। एक मिनट, ये हिंदू पानी है ना? मतलब? मतलब मुसलमान पानी तो नहीं? कैलाश बाबू पानी पानी है, क्या हिंदू क्या मुसलमान। आपको तर्क करने की बड़ी आदत है, हर स्टेशन पर हिंदू पानी और मुसलमान पानी चिल्लाया जाता है ना। चौबी जी पानी है? हाँ हाँ पानी है मगर जूठा है। अरे नहीं नहीं रहने दीजिए। कोई बात नहीं मुन्नी, अभी स्टेशन आ जाएगा, बाऊजी तुम्हारे लिए पानी ले आएंगे, ठीक है? माँ बहुत तेज प्यास लगी है। मुन्नी थोड़ा इंतजार तो करना होगा ना, सफिया की बेटी को देखा है? तुम्हारी उम्र की है, एक दाढ़ का रोजा रखती है वो, सुबह से लेके शाम तक एक बूंद भी पानी का नहीं पीती है, और एक तुम हो। क्या वाहियात लोगों का उदाहरण दे रही हो तुम इसे? नहीं बेटा अभी बैठ जाओ, स्टेशन आएगा तो मैं पानी ले आऊंगा, ठीक है? गांधी जी और ऊपर वाले पे भरोसा है हमें, सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ? स्टेशन अभी आने ही वाला है, पानी मिल जाएगा। वो नहीं सोच रहा था। तो फिर अगर माँ को मेरा आना अच्छा नहीं लगा तो मैं वहां रुक नहीं पाऊंगा, वहां की जमीन बेच देंगे, इतना पैसा मिल जाएगा कि हम आराम से कलकत्ता में रह सकते हैं। 32 बीघा जमीन है, 2 बाग हैं। और माँ? उनका क्या खर्चा, वहां से कुछ पैसा भेजते रहेंगे ना? स्टेशन आ गया, स्टेशन आ गया, स्टेशन आ गया, स्टेशन आ गया। माँ पानी? हाँ पानी। हाँ मैं लेके आता हूँ। अरे रुकिए ये तो लेते जाइए। हम भी पानी लेके आते हैं। मूंगफली, मूंगफली, मूंगफली ले लो भैया जी। मूंगफली आपको दूं? गर्मा गर्म मूंगफली। सुनिए जी, आप क्या इधर बैठ जाएंगे? आइए बाऊजी। घर पहुंच के तार जरूर भेज दीजिएगा। हाँ बेटा खूब मन लगाकर पढ़ाई करना, और किसी भी चीज की जरूरत हो तो बोलने में हिचकना नहीं। खाने पीने का ध्यान रखना और समय समय पर चिट्ठी लिखती रहना। जी बाऊजी। खुश रहो, प्रणाम। खुश रहो बेटा, खुश रहो। खुश रहो बेटा। गुलचना, 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 गुलचना।
मूंगफली मूंगफली। अरे मुन्नी, रुक नहीं सकती थी तुम? बाऊजी पानी लेने गए हैं ना, फिर किसी और का पानी कैसे पी सकती हो? अरे जाने दीजिए, बच्ची है। बैठो इधर। माफ कीजिएगा भाई साहब, अब बाऊजी कितना गुस्सा करेंगे तुम पे, हाँ देखना क्या हाल करेंगे तुम्हारा। कुछ नहीं सुनती हो, किसी का भी पानी पी लेती हो, हाँ बहुत शैतान हो गई हो, डांटेंगे ना तब पता चलेगा। ले बेटा पानी ले। अरे अभी तो पानी पानी कर रही थी, अब पानी नहीं ले रही? लाइए। क्या हुआ? मुझे दीजिए। बिटिया ने मेरे लोटे से पानी पी लिया। ऐसे कैसे पानी पी लिया है? तुम क्या सो रही थी? और बेटा तुम्हें मैंने मना किया ना किसी के लोटे से पानी पीने के लिए? सिखाया ना मैंने तुम्हें? हाँ जी। किसको? अरे कैलाश बाबू नाराज मत होइए, ये देखिए मैं चित पावन ब्राह्मण हूं, दिवाकर त्रिपाठी नाम है मेरा। आपकी बच्ची का धर्म एकदम सुरक्षित है, निश्चिंत रहिए। आपने पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं जात पात धर्म नहीं मानता। कैलाश बाबू आप खुद सोचिए, ईश्वर की बनाई हुई कोई भी चीज, जैसे सूरज धरती पानी हवा, इस पर रहने वाले कोई भी जीव जंतु, क्या हिंदू मुसलमान जात पात में फर्क करता है क्या? केवल मनुष्य ही ऐसा जीव है जिसने अपने ही बीच ऐसी दीवारें खड़ी कर रखी है। ब्राह्मण होकर आप ऐसी बात कर रहे हैं, न जाने कैसे संस्कार मिले आपको। मैंने तो अपनी माँ से यही सीखा है कि धर्म से बढ़कर कुछ नहीं होता, धर्म के लिए अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़े ना तो वो भी कम है। मेरी माँ ऐसे ऐसे कठिन व्रत रखती है ना कि 30-30 घंटे निर्जला, जान पर बनाती है मगर मजाल है कि व्रत तोड़ दे। आपकी तबीयत खराब है आपकी, इतना कठिन व्रत क्यों रखा? बेटा विश्वास है, धर्मशास्त्रों में ऐसा ही लिखा है। हालत देखिए अपनी, धर्मशास्त्रों में लिखा है, कुछ हो गया आपको तो? क्या होगा, मर जाऊंगी ना एक दिन, तो बेटा सबको मरना है, और देख व्रत के दिन मरूंगी ना तो पुण्य होगा। व्रत की बातें मत कीजिए आप। अरे देखो 12 बज गए, दूसरा दिन शुरू हो गया, व्रत का समय पूरा हो गया। आओ ये लीजिए पानी पी लीजिए और कुछ खा लीजिए चल के। पागल हो रहा है क्या तू? हाँ पारण भोर में ही होगा, सूर्य को अर्घ देने के बाद। इतनी जिद्दी क्यों है आप, एकदम बच्चे की तरह। तू ना परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा तेरी माँ को, चल। अच्छा लेट जाइए। दीजिए आप खाना खा लीजिए जाके। ठीक है मालिक। परेशान मत हो, जा तू भी जाकर आराम कर ले। मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ, अब दोनों बैठकर इंतजार करेंगे सूर्योदय का। खाना खा ले। चल बड़ा हो गया लेकिन बच्चा ही है। चलो माँ खाना खाएं। बेटा ये व्रत संतान के कल्याण के लिए रखा जाता है, पहले तू खा। बस अब तेरी पढ़ाई पूरी हो जाए और तू अपने बाबूजी का सपना पूरा करे, ईश्वर से यही प्रार्थना है।
धार्मिक होना अच्छी बात है, मगर धर्म को समझना ज्यादा जरूरी है। भगवान ने इंसान को अपने जैसा बनाया, मगर इंसान ने भगवान को अपने अपने जैसा बना दिया। बिटिया, अच्छा ये बताओ आपको गांव में क्या अच्छा लगता है? मैं कभी गांव गई नहीं। और दादा दादी? दादाजी नहीं हैं, दादी जी हैं गांव में। दादी से तो मिली होगी ना? नहीं, ज्यादा नहीं बोलते बेटा। क्या हुआ? नहीं, ओ, बहुत दिन बाद गांव जा रहे हो का? ये गुड़िया ना दिन नहीं, साल है। 10 साल। कोई तकलीफ है तुम्हें? नहीं। अच्छा है? बस माँ, और नहीं खा पाऊंगा मैं। अरे अभी तो ये पपीते की खीर है, तुझे बहुत पसंद है। नहीं, 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 बस और कितना खिलाओगी माँ? बस तो इतने महीनों बाद शहर से आता है, मेरा तो मन करता है पता नहीं क्या ना कर दूं तेरे लिए। माँ, कलकत्ते में क्या मैं भूखा रहता हूँ? नहीं, पर शहर में माँ के हाथ का तो नहीं मिलता है ना। वो तो सब सही है चाची, पर अब अगर मैं और खाऊंगा ना तो मेरा पेट फट जाएगा। अच्छा, ये सेब का? नहीं, नहीं। देख, सासाराम बाजार का है। बस चलो, ईश्वर की कृपा है कि कैलाश की पढ़ाई पूरी हो गई, बस अब शहर का आना जाना खत्म। हाँ बेटा, अब गांव में रहकर ना तू अपने बाबूजी का सपना पूरा कर। असली भारत तो गांव में बसता है। हमारे समाज का ना सबसे बड़ा अभिशाप है अशिक्षा। अब तू गांव में रहकर ना गांव के लोगों में शिक्षा का प्रकाश फैला। मगर मां, गांव में ना तो सड़कें हैं, ना बिजली है, ना अस्पताल है, मैं यहाँ पे क्या करूंगा? तो बेटा, ये जिम्मेदारी कौन उठाएगा? तुम जैसे पढ़े लिखे नौजवान ही तो उठाओगे ना। अब सब पढ़ लिख कर शहर चले जाएंगे तो गांव में तो कोई खेती बाड़ी करने वाला भी नहीं रहेगा। मगर मां, इतना पढ़ लिख कर इस गांव में सीमित हो जाना, क्या ये ठीक है? साफ साफ बोलना क्या कहना चाहता है। मां, मुझे कलकत्ता में एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है। मां, मुझे यहाँ गांव में मत बांधिए, मुझे बाहर निकलने दीजिए। बाहर जाऊंगा तो कुछ बड़ा करूंगा, इस गांव का, इस परिवार का, आपका नाम रोशन कर पाऊंगा। मां, तू फैसला कर कर आया है? माँ, कुछ गलत है तो आप बताइए। पर बेटा, तू वहां शहर में और तेरी माँ यहाँ गांव। अरे नहीं, माँ को मैं अपने साथ ले जाऊंगा। नहीं बेटा, माँ गांव में ही रहेगी। सावित्री, ये तुम क्या कह रही हो? विमला भाभी, यही तो रीत है, पेड़ गांव में रह जाता है, फल शहर चला जाता है। माँ, आप समझने की कोशिश कीजिए ना। माँ, विमला भाभी दूसरी बात भी पूछ ही लीजिए। बेटा, तुम्हारी माँ चाहती है कि बचपन में तुम्हारा रिश्ता जिस लड़की से तय हुआ था, इस साल तेरा ब्याह उसके साथ। अरे नहीं नहीं चाची, मैं किसी गांव की लड़की से ब्याह नहीं कर सकता। मुझे कोई पढ़ी लिखी शहर की अपनी स्तर की लड़की चाहिए, ये नहीं कर सकते। बेटा, ये तो कैसी बात कर रहा है? तेरी माँ क्या जवाब देगी लड़की वालों को? हे भगवान, बिरादरी में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएगी। अरे चाची, ये बिरादरी बिरादरी की बात छोड़िए, ये गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है, तुमको समझो तो। जहाँ मन ना हो वहाँ जबरदस्ती का बनाया गया संबंध कभी सफल होगा क्या? हाँ, आप ही बताइए माँ। देख बेटा, शहर में रहकर तू बड़े बड़े काम करना चाहता है, तेरी इच्छा, पर अगर मां के सम्मान की जरा सी भी चिंता है तुझे तो ये रिश्ता तोड़ने की बात फिर मत करना।
क्या सोच रही हूँ सावित्री? सोच रही हूँ कि शरीर से निकलने के बाद तो खून भी अपना रंग बदलने लगता है। भैया थोड़ा खिसक जाइए, बहुत दूर जाना है हमको। कहाँ खिसक जाए, सर पे बैठोगे? अरे भैया थोड़ा खिसक जाएंगे तो हम भी बगल में बैठ जाएंगे आपके। अरे कहाँ खिसक जाए, डिब्बा फाड़ के बाहर चले जाए का? अरे भैया रेल का किराया हमने भी दिया है, थोड़ा थोड़ा खिसक जाए, सामान को नीचे रख दीजिए तो हम लोग भी बैठ जाएंगे। सामान नहीं हटाएंगे हम। अरे कैसे नहीं हटाएंगे सामान, ऐसे घस नटिया के बैठे जैसे तेरे बाप की सीट है। अरे बाप का नाम ले रहा है, बाप का नाम ले रहा है। नहीं लेंगे, बैठने की जगह नहीं देगा तो गुस्सा नहीं आएगा क्या? गुस्सा नहीं, शांत हो जाइए। आप बीच में मत पड़िए, आपको नहीं पता क्या कर रहा है आदमी, बाप का नाम ले रहा है। अरे महाराज आप हमको गाली दे दीजिए, हमको लात घुसा मार लीजिए, पर भगवान के लिए झगड़ा मत कीजिए, हालात आप देख रहे हैं। महाराज बैठिए, महाराज आप बैठिए, चलिए मेरा सामान उठा दीजिए। चलो चलो चलो, सब पीछे हटो। चलो जी हटो, सब ठीक है। एक जने को आप लोग बिठा लीजिए। हाँ इधर आओ, इधर बैठ जाओ, आप इधर आओ। वैसा हाथ आ रही, ओहो सूजन आ गई, पूरा निकल आया है। कहीं से हल्दी चुना मिल जाता तो। हल्दी भाई साहब हम लाए हैं घर से। हल्दी है, मैं चुना लेके आता हूँ। ऊपर झोले में तो नहीं रखा? झोले में रखा होगा, देखो जी। काका चुना दीजिए ना। बहुत चोट लगी है। मारा किसी ने यहाँ सर पे? बहुत मारा, बहुत जोर से लगी है। ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तुमको तो नहीं लगी? नहीं नहीं भैया, उन्हें तो लगी है। ये लीजिए थोड़ा सा, हो गया ना? ठीक हो जाएगा भाई साहब। बाबू साहब आप बहुत नेक आदमी हो, भगवान भला करे आपका बाबू साहब। नहीं भैया हम बहुत डरपोक आदमी हैं, हम डर गए थे कि कहीं दंगा फसाद ना हो जाए, इसलिए झगड़ा खत्म करवा लिया। ठीक हो जाए, धन्यवाद बाबू। हेलो बेटा, चलिए भोजन कर लेते हैं। जल्दी जल्दी खत्म करो, कर पहुंचो। हाँ थोड़ी जगह दीजिए। और ये भी तो खाओ। अरे अरे अरे, अरे इधर आ रही है, पता नहीं क्या भर के लाए। आइए गौरी जी, वंशी जी पूरी लीजिए। नहीं आप खाइए, हम लोग घर से खाना खा के निकले। ओहो लो नरेंद्र जी लीजिए। हाँ उनको भी देते। आइए आप भी लीजिए। एक मिनट, क्या नाम बताए थे? वीरेंद्र। आगे राम। ओहो बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए हाथ। ले लीजिए, एक और ले लीजिए। अरे भाई साहब ये कैसे रोटी दे रहे हैं आप? ये एक इंसान है, आप इनको फेंक कर रोटी दे रहे हैं? आपको क्या तकलीफ है भाई? आदमी को आदमी नहीं समझोगे तो तकलीफ नहीं होगी क्या? थर्ड क्लास में चल रहे हैं आप, कहीं के महाराजा धीराज है क्या? आपको क्या झगड़ा करने की बीमारी है? पहले तो वहां से पिटपिटा कर आए, आपको हमने दवा लगाई, आपको बिठाया, अब आप हमसे झगड़ा कर रहे हैं? देखिए भाई साहब झगड़ा हमने, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। बोलिए ना कैलाश बाबू, शांत हो जाइए। आप लोग खाना खाइए, खाना खाइए। सबकी अपनी अपनी सोच है। ये लीजिए, ये लीजिए, पूरी लीजिए। आपकी पसंदीदा सब्जी बाबू ये वंशी जी लीजिए, खाना अच्छा बना है। मैं तो कहता हूँ सबको एक साथ में खाना खाना चाहिए, झूठा खाने से प्यार बढ़ता है। ये लीजिए। अरे हमें कभी भी एक दूसरे की जरूरत पड़ सकती है, प्यार रहेगा तभी तो एक दूसरे की मदद कर पाएंगे। लीजिए जी। चौबे जी आपसे इसलिए नहीं पूछा क्योंकि आप तो खाएंगे नहीं। नहीं नहीं आप लोग खाएं। सब ब्राह्मण आपकी तरह नहीं होते, कुछ धर्म का पालन भी करते हैं। ओहो हुजूर आला क्या धर्म इतना कमजोर है,
के घूट पानी पीने से या एक और खाना खाने से भ्रष्ट हो जाए? क्यों चौबे जी, आपका क्या ख्याल है? हाँ सच है, लाइए फिर खा ही लेते हैं। अरे वाह, लीजिए अभी देता हूँ। आप भी ये लीजिए। कैसे ब्राह्मण है, आप जैसे लोगों की वजह से ही हमारा धर्म नष्ट हो रहा है। वीडियो खाओ। कैलाश बाबू, आप तो महीनों से बेरोजगार हैं, आपको रुपयों की जरूरत भी होगी। हाँ है, क्यों आपको एक खजाना दिला रहे हैं क्या? देखिए सब सो रहे हैं, कोई देख नहीं रहा है, और मैं भी किसी को नहीं बताऊंगा, कसम खाता हूं। भगवान ने भेजे हैं, उठा लीजिए। आपने क्यों नहीं उठाए? मुझे फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है, आपको है। नहीं, मैं नहीं उठा सकता। भगवान ये मौका दे रहा है, और ये रुपया इसी आदमी का है जो थोड़ी देर पहले आपको इतना बुरा बोल रहा था, झगड़ा करने पर आमादा था। मैं नहीं ले पाऊंगा। आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। ये बात जब आप अपनी पत्नी को बताएंगे कि भगवान आपको इतने ढेर सारे रुपए दे रहे थे और आपने ठुकरा दिए, तो वो भी आपको गलत ही ठहराएंगी। चलिए। नहीं नहीं, अगर वो ऐसा कहती है तो वो गलत होगी, मैं नहीं। ये अगर मुसलमान होते तब तो ले लेते ना। ले लीजिए, उठा लीजिए। नहीं नहीं दिवाकर जी, मेरा धर्म मुझे ये नहीं सिखाता कि मैं किसी का भी पैसा ऐसे उठा लूं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, वो जैसा भी आदमी है। ये पैसा उसका है, उसको उठाइए और उसको दे दीजिए, मैं नहीं ले पाऊंगा। पक्का? पक्का। मैं क्यों दूं, जिसकी किस्मत में है ले जाएगा। मैं चला सोने। क्या है, तुम्हारा पैसा कहाँ है?
ऐसा ठीक ठाक है? हे भगवान, 12 रुपया। वो देखो नीचे। बाबू साहब, आप हमारी इज्जत बचा लिए। ये रुपया हम अपना खेत बेचकर बहन का दहेज देने जा रहे थे। कोई बात नहीं, सब ठीक है, इसे संभाल कर रख लो। हमको पता नहीं, हम आपका काका बोल दिए, बहुत बड़ा पाप हो गया बाबू साहब, बहुत बड़ा पाप हो गया हमसे। संभाल के रख लो, ठीक से रख लो ये पैसा। मुझे पता था आप नहीं सोए। ऐसे क्या देख रहे हैं? मैं देख रहा हूं आप कितने खुश लग रहे हैं। क्यों भाई, खुश नहीं होना चाहिए? मुझे किसी का बुरा नहीं किया, अच्छा काम किया है। मुझे वो दिन वाली बात याद आ गई कैलाश बाबू। कौन सी बात? वही बापू और पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपया देने वाली बात, जिससे बहुत से लोग नाराज हैं। यहां भी महात्मा जी आ गए। आप व्यंग से महात्मा जी कहते हैं, ठीक है, लेकिन आपने वो चीज कर दिया जो बापू जी करने को कहते हैं। मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाहते हैं। कुछ नहीं, आप खुद सोचिए, चलता हूं, ठंड लग रही है। शुभ रात्रि।
आराम मिला? बुखार है माँ, धीरे धीरे ही जाएगा। मैं ठीक हूँ, आप सो जाओ जाके। बेटा कष्ट में हो, माँ को नींद आएगी। तू आँख बंद कर और आराम से सो जा। वैद्य जी बोले हैं सुबह तक बुखार बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पंक्तियों में तुलसीदास जी ने एक अहिंसक योद्धा का अद्भुत वर्णन किया है। जब विभीषण ने रावण को वेगवान घोड़ों के आलीशान रथ पर आता देखा, पर प्रभु राम को बिना रथ जमीन पर खड़े, तो विभीषण घबरा उठे। विभीषण ने घबराकर प्रभु राम से पूछा, प्रभु ना तो आपके पास रथ है, ना तन पर कपड़े, ना पैरों में चप्पल, इतने बलवान दुश्मन से फिर आप कैसे जीतेंगे प्रभु? जय जय राम सिया राम। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, धीरज सौरज जाहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। तब प्रभु बोले, मित्र मेरे पास भी एक रथ है, वो रथ आंखों से नहीं दिखता, मगर जिसके पास ऐसा अद्भुत रथ हो वो किसी से हार नहीं सकता। प्रभु राम बोले कि धैर्य और शौर्य इस रथ के दो पहिए हैं, सत्य और अच्छा व्यवहार उस रथ पर फहराने वाले मजबूत झंडे हैं। जय जय बल विवेक दम, यानी इंद्रियों का बस में होना और दूसरों का हित, ये उस रथ के घोड़े हैं जो क्षमा कृपा और समता रूपी डोर से रथ में जुड़े हैं। जय जय ईश्वर का भजन सारथी है, विरति चर्म यानी वैराग्य
उसकी ढाल और संतोष उसकी तलवार है। जय जय राम सिया राम, जय जय राम सिया राम, जय जय राम सिया राम, जय जय राम। अपनी प्रार्थना सभाओं में इन पंक्तियों को बापूजी अक्सर सुना करते थे। आप एमके गांधी को हर जगह क्यों घुसेड़ देते हैं? कैलाश बाबू, मैं आपकी विचारधारा समझता हूं, मगर गांधी जी ने इस देश के लिए जो किया वो कोई नकार सकता है क्या? गांधी जी के भारत लौटने से पहले कितने लोग स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लेते थे बोलिए? मुट्ठी भर वकील और विदेश से आए कुछ पढ़े लिखे लोग। सैकड़ों साल की गुलामी, अत्याचार, अशिक्षा और गरीबी ने इन देशवासियों को कमजोर और खौफ से भर दिया था। अरे एक सिपाही भी गांव में आ जाता था ना, बड़े बड़े जमींदार अपने घरों में छुप जाते थे। आम आदमियों का तो कहना ही क्या। महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन तक इन्हीं डरे सहमे बेबस लोगों में आजादी की ऐसी चेतना जगाई जिसे देखकर पूरी दुनिया तंग। सड़कें, गलियां, चौराहे निहत्य सत्याग्रहियों के सैलाब से पट गए। मजदूर, किसान, विद्यार्थी, अमीर गरीब, हर जाति हर धर्म के लोगों ने बगैर हिंसा किए बेखौफ गोलियां खाई, लाठियां सही, ना जाने कितने कितने साल जेल की यातनाएं झेली। एक अकेले आदमी ने यह चमत्कार कैसे किया यह हैरत की बात है। चरखा, खादी वो अद्भुत हथियार थे जिसने घर घर में आजादी की चेतना जगाई। जो लोग सड़कों पर नहीं उतर सकते थे उन्होंने चरखा चलाकर, सूत काटकर, खादी पहनकर, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करके आजादी की लड़ाई में अपना सहयोग दिया। घूमकर देखिए पूरे डब्बे में आज भी कितने लोगों ने खादी पहन रखी है। कैलाश बाबू, आज जिस आजादी पर हम गर्व से सीना तान रहे हैं वो जिन लोगों की देन है उसे हम पूरा कहेंगे तो इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा। दिवाकर जी, मैं आज की बात कर रहा हूं। आपके महात्मा अब जो कर रहे हैं, ये मुसलमानों को जो इतना प्रेम दिखा रहे हैं, मुझे इससे शिकायत है। और सिर्फ मुझे ही नहीं, सब हिंदुओं को इससे शिकायत है। मुनि यहाँ इधर बैठो। माफ कीजिएगा, असल में मैं और मेरा परिवार दो बार दंगाइयों के बीच में फंस चुके हैं। बस किसी तरह जान बची थी। ऐसा डर बैठ गया है कि घर से निकलो तो कुछ सामान पास में रहना जरूरी है, बस सिर्फ हिफाजत के लिए। क्या चौबे जी, सब लोग आप जैसे हथियार रखने लगे तो कहीं भी कभी भी मारकाट हो जाएगी। नहीं नहीं चौबे जी, एकदम ठीक कर रहे हैं आप। इन मुसलमान दंगाइयों का कुछ पता नहीं, अब क्या कर दे। इनके मन में सबके लिए नफरत ही भरा है। धार्मिक आदमी है भाई, बता रहे थे इनकी माताजी भी बड़ी धार्मिक है और गांव में अकेली है बेचारी, कहीं वो ना मुसलमान दंगाइयों में फंस गई है। हमारे गांव में कुल मिलाकर 5 मुसलमान परिवार हैं, उनकी इतनी हिम्मत नहीं। अब तक या तो वो खुद भाग गए होंगे या भगा दिए गए होंगे। 10 साल माँ का शक्ल देखे नहीं है, सब मन ही मन अच्छा अच्छा सोचे हुए हैं। मैं समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ मैं, आप दोनों मुझसे क्यों चिढ़े बैठे हैं। अरे हमारा छोड़िए, जो अपनी माँ का नहीं हुआ वो किसी और को का समझेगा। अब तुम हद से बढ़ रहे हो। अरे ऐसे बात नहीं करते, चुप रहिए आप, चुप रहिए। भैया
कैलाश बाबू के लिए ऐसी बात मत करिए, ये तो देवता आदमी है। रात में इन्होंने इतना बड़ा उपकार किया हम पर कि हम क्या बताएं। वो उपकार कोई देवता स्वरूप आदमी ही कर सकता है। अरे कहा सुनी किस घर में नहीं होती है। हो गई कोई बात माँ बेटे में? आपने कोई गहरी बात छिपा रखी कैलाश बाबू? अगर आपको ठीक लगे तो मन हल्का कर लीजिए। अरे आपका भाई, क्या बात है, वो चिंतित लग रही। कैलाश बेटा, तू कब आया? माया आपकी बहू सुधा। माँ चरण स्पर्श। बहू को अपने कमरे में ले जा, मैं जलपान भिजवाती हूँ। सावित्री, बहू बहुत सुशील सुशिक्षित और उच्च खानदान से है। सुन तो सावित्री, सुन तो सावित्री। आपने बुलाया माँ? क्या देख रही हैं? देख रही हूँ, ये हाथों की लकीरें भी अजीब हैं, मुट्ठी में तो है मगर काबू में नहीं। माँ मैं जानता हूँ कि आप मुझसे बहुत नाराज हैं, मगर उबलते पानी में अपना ही चेहरा नजर नहीं आता। मैंने जो भी किया आप शांत दिमाग से। मैं शांत हूँ, बहुत शांत हूँ बेटा। आप बिल्कुल शांत हो, एक मृत व्यक्ति ही हो सकता है। माँ मैं आपकी बहुत श्रद्धा करता हूँ। श्रद्धा का श्राद्ध तो तूने उसी दिन कर दिया था जिस दिन तूने इस गांव में ना रहने का फैसला किया था। खैर अब उन बातों का क्या लाभ। मां मैं कैलाश, ये घर परिवार है ना बेटा, ये अपने पुरखों के बनाए मान मर्यादा परंपरा और संस्कारों का एक पवित्र मंदिर है। तूने इन सब की अवहेलना करके इस मंदिर को खंडित कर दिया। तू अपनी मर्जी की जिंदगी जीना चाहता है ना, अच्छी बात है, पूरा हक है तुझे। तो बेटा अब तू ना अपनी मर्जी की अपनी खुशी की एक अलग दुनिया बना, पर उसके लिए तुझे ना अपने वंश अपने पुरखों की विरासत से हमेशा के लिए संबंध तोड़ना पड़ेगा। माँ सुनिए तो सही मैं क्या कह रहा हूं। दुल्हन को बुला लो। माँ जी हम समझ सकते हैं कि आपको कितना दुख हुआ है, लेकिन हमने ये गहने मैंने अपनी बहू के लिए संजो कर रखे थे। ये कागजात हैं जमीन के, तू शहर में रहता है जरूरत पड़ सकती है। खूब तरक्की कर, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। माँ
अगर आप ऐसा करेंगी तो मैं कभी लौट कर नहीं आऊंगा। ईश्वर तुझे ऐसा करने की शक्ति दे बेटा। कर अगर मैंने शहर में नौकरी कर ली तो क्या गलत किया? अपनी पसंद की लड़की से अगर शादी कर ली तो क्या इतना बड़ा पाप किया? बोलिए दिवाकर जी। सही गलत बताने वाला मैं कौन होता हूं कैलाश बाबू, मगर मुझे लगता है माताजी मान गई होती अगर आपने कोशिश की होती। हूं तो उन्हीं का खून, जैसी वो जिद्दी वैसा मैं जिद्दी। आपने देखा? देखा देखा, दाढ़ी छुपा रहा है। क्या हुआ भाई साहब? वो काली चादर वाला मुसलमान है। कुछ तो गड़बड़ है, छुप के क्यों बैठा है? हो सकता है इसके कुछ साथी और छिपकर बैठे हो डिब्बे में। ये सारे ऐसे ही हमला करते हैं, एकदम अचानक और पूरी तैयारी से हमला करते हैं ये। तो क्या किया जाए? अरे पूछो इससे। हम हाँ, वो कहीं हमला कर दिया तो उसने हथियार रखे होगा तो? डिब्बे में ज्यादातर हिंदू है, देख लेंगे साले को। ऐसा करते हैं, सब मिलकर पूछते हैं। ठीक है, आओ आओ। ए उठ उठ। अबे मुंह क्यों छुपाए? अबे मुंह छुपा के बैठा है। दरवाजे तक लेके आओ इसको। पूछो पूछो इसको, नाम क्या तेरा? ओ ओ, ए झोले में क्या छुपा रखा है? कल क्या सामान बाहर? भाई साहब क्या हो रहा है? एक मुसलमान छुपा बैठा था, वही पकड़ा गया है। रखिए अंदर, चौबे जी इसको अंदर रखिए, खून खराबा करवाएंगे क्या? छोड़ लेगा उसका, तलाशी लो उसकी। छोड़ो पकड़ो, खींचो। आपका क्या है? देख क्या दोनों हो रहे हैं। लेकिन सुनिए, अरे भैया, अरे उसकी भैया, हमने की छोड़िए, छोड़िए। देखिए ये मुसलमान है। अरे मुसलमान है तो क्या जान से मार दोगे? कुछ किया इन्होंने? अरे बैठिए, कुछ करने के लिए तो यहाँ बैठा है, बदल के बैठा है। अरे एक मिनट आप खामोश रहिए, आप देख क्या रहे हैं? उठाओ इसे, बाहर फेंको। हाँ सही कह रहे हैं, उठाओ उठाओ इसको, उठाओ उसको। हम हिंदू हैं भैया, हिंदू हैं भैया। झूठ बोल रहा है भाई साहब। नहीं 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 भैया, ठंडक लग रही थी इसलिए मुंह ढक लिया था भैया, बहुत दिन से समय नहीं मिला इसलिए दाढ़ी बढ़ गई। ये देखो भैया, ये मौली बाबा का ताबीज है भैया। अरे झूठ बोल रहा है तू, झूठ बोल रही है। सबूत क्या है? क्या सबूत है कि तू हिंदू है? सबूतला सबूतला। हाँ सबूत। रुकिए रुकिए भाई साहब, आप कुछ दिखा दीजिए। एक मिनट एक मिनट भैया, एक मिनट बता। निकाल रहे निकाल। अरे क्या ढूंढ रहा है ये? देखो जरा क्या निकाल रहा है। मिल गए। रुको, हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा खरीद लेगा हम भैया, इसका रोज पाठ करते हैं भैया। अरे हनुमान चालीसा रखने से कोई हिंदू थोड़ी हो जाता है, कोई भी खरीद सकता है। अरे कैलाश बाबू, भाई साहब एक मिनट एक मिनट। भाई साहब आप अगर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको कंठस्थ भी होगी, आप सुना दीजिए। सुनाओ। हाँ सुना सुना, अभी सबके सामने, नहीं तो फेंक देंगे बाहर तुझे अभी। सुनाओ जल्दी। सुना रहे हैं। भाई साहब डरिए मत, सुना दीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुरुसागर, जय कपीस तिहलोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी। बस भाई साहब बस, कुमुदिनी वार सुमति के संगी। बस अब तो आप सभी को यकीन हो गया ना ये हिंदू है। बैठिए, मुसलमान होते तो आप सब इनको मार ही डालते, फिर क्या कहते? मुसलमान हत्यारे हैं।
आप भी चुप बैठी रही। अरे हम भी तो डर गए थे। आप जैसे डरपोक लोगों की वजह से दंगे भड़कते हैं, शर्म आनी चाहिए आप सब। आइए कैलाश बाबू। अरे बैठिए बैठिए, कुछ नहीं हुआ, हिंदू ही था, लोगों को गलत फहमी हो गई थी बस। बिटिया डर गई थी? अरे डरो मत, मुझे एक बार गुड़िया दो, मैं खेलू। नहीं। अच्छा गुड़िया का नाम क्या है? मेरी गुड़िया का नाम है चुनिया। चुनिया, वाह वाह, बहुत अच्छा नाम है, बहुत बढ़िया, बहुत। चौबे जी हद हो गई, पंडित जी होके इतने डरपो, मुसलमान का नाम सुनते चाकू निकाल लिए, बेचारी बच्ची कितनी डर गई। हम घबरा गए थे, क्या भरोसा कब क्या हो जाए। सही कह रहे हैं, सांप्रदायिकता की आग में लोग तो मरते ही हैं, अगर सबसे बड़ी चीज जो मर जाती है वो है विश्वास। आदमी का आदमी से विश्वास ही खत्म हो जाता है। दिवाकर जी जरा ये भी सोचिए कि ये घृणा और ये अविश्वास का माहौल क्यों बन रहा है। क्यों? इसका कारण है ये मुसलमान, एक तो हमारे देश के दो टुकड़े कर दिए, ऊपर से आपके महात्मा जी की वजह से हमारे घर में घुस के बैठे हैं ये लोग। देश का बंटवारा हिंदू और मुस्लिम कट्टरवाद का जहर घोलने वाले नेताओं ने करवाया है कैलाश बाबू। एक तरफ मुस्लिम लीग तो दूसरी तरफ हिंदू महासभा की सोच, ऊपर से इनको बढ़ावा देने वाले अंग्रेज। तो शुरुआत तो मुसलमानों ने की थी ना, लाहौर के 1940 के मुस्लिम लीग सम्मेलन में जिन्ना साहब ने स्पष्ट शब्दों में बोला है कि मुझे दो राष्ट्र चाहिए। 1940 से भी पहले 1937 में इलाहाबाद में हिंदू महासभा के सम्मेलन में वीर जी ने कहा था कि भारत एक नहीं दो राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र और मुस्लिम राष्ट्र। ऐसे ही अलगाववादी नफरत फैलाने वाली सोच जिम्मेदार है बंटवारे की। अब तो मुसलमानों को अपनी जन्नत मिल गई ना, अब चले जाए अपने पाकिस्तान, हिंदुस्तान हिंदुओं का है। तो फिर क्यों आपके महात्मा गांधी उन्हें यहां रोके हुए हैं? अगर हम सब एक धर्म के लोग यहां होते ना तो क्या यह भयानक रक्तपात हो रहा होता? अरे कैलाश बाबू, विदेशियों के आने से पहले सब हिंदू राजा होते थे तो क्या सब प्यार से रहते थे? अरे सब आपस में लड़ते मरते रहते थे। अरे कौरव पांडव तो भाई थे, फिर इतनी भयानक महाभारत क्यों हो गई? बाबर, इब्राहिम लोदी, हुमायूं, शेर शाह सूरी, जलालुद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी तो चाचा भतीजा थे, फिर भतीजे ने चाचा को खंजर क्यों मारा? सब मुसलमान ही तो थे, तो क्या रह पाए प्यार से? विश्व युद्ध में एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे लोग ज्यादातर क्रिश्चियनी थे। इतिहास गवाह है कैलाश बाबू, कोई भी धर्म अपने मानने वाले को लड़ने मरने से नहीं रोकता। सही कह रहे हैं आप, मुसलमान नहीं होंगे तो कोई और मुद्दा बन जाएगा, अमीरी गरीबी, जात पात, भाषा, क्षेत्र। नफरत फैलाने वाले नफरत फैलाते रहेंगे और उससे भड़की आग में अपने स्वार्थ की रोटी सेकते रहेंगे। बहुत बढ़िया बोल रहे हैं दिवाकर बाबू, बोलते रहे। दोस्त मैंने तो सुना था सच बहुत कड़वा होता है। ये मीठा लग रहा है, बोलिए। कुछ नहीं मेरे दोस्त, इसलिए मुझे लगता है कि बापू का रास्ता ही सही रास्ता है, प्यार का, अहिंसा का, सहिष्णुता का। अरे प्रेम से सींचो तो एक बेजान बीज भी बड़ा पेड़ बन जाता है, फल फूल देने लगता है। नफरत की एक नजर, एक कठोर शब्द माँ बेटे तक का रिश्ता भी खत्म कर देता है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि धार्मिक कट्टरता पर बने पाकिस्तान का हश्र क्या होगा और सारे मजहबों को मानने वाला हमारा धर्मनिरपेक्ष देश कहां तक पहुंचेगा। ईश्वर से मैं यही दुआ करता हूं कि सब बापू की विचारधारा को याद रखें। ओहो सासाराम, चले चले हम मदद करते हैं। चलिए हम मदद करते हैं। आप लोग चलिए, सामान हम लाते हैं। जाइए आप जाइए। चल बेटा। गुड़िया चलिए बेटा चलिए। लाइए मुझे दे दीजिए। ये लीजिए। मैं लेता हूँ। धन्यवाद भाई साहब। लाइए मुझे दीजिए।
भाई सासाराम आ गया है, पानी वानी ले लो, अगले स्टेशन पर पानी वानी नहीं मिलने वाला। यहाँ रख दे, आप जाइए, मैं यहाँ देखती हूँ। ये लीजिए, ये लीजिए मेरी गुड़िया। अरे ये पानी का लोटा। मेरी चुनिया। देख लीजिए सारा सामान। हाँ। जी भाई साहब। अच्छा नमस्ते। अच्छा बाबू जी नमस्कार। गिर गया। अरे देखो कोई गिर गया जी, बचाओ उसको, बचाओ। अरे बच्ची गिर गई, बचाओ उसको नीचे से। अरे ये तो था ना? नहीं नहीं छह था। अरे ये बच्चे देखो गिर गई। अरे मुन्नी का है, मुन्नी का गिर गई। अरे भाई भाई सब हटो। मुन्नी तू ठीक है ना? चोट तो नहीं लगी ना? जल्दी। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। धन्यवाद तो बहुत छोटा शब्द है, पता नहीं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं मैं। क्या पंडित जी, आपको तो हम लोग डरपोक समझ रहे थे, आप तो बड़े बहादुर निकले। तू ठीक है ना बिटिया? हाँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि तू। चुनिया को ध्यान से रखना, रख लो, लो। वो मुसलमान था, वो डरा हुआ इंसान था, हम सब हिंदू थे, इसीलिए वो झूठ बोला, मगर बहुत बड़ी सीख देके गया। अपना ख्याल रखना। आज इतना खाली खाली क्यों है यहाँ? जब हम पहले आए थे तब तो काफी भीड़ थी। अरे भाई काका, इतना सन्नाटा क्यों है? शायद कल आप रेल में होंगे, पता नहीं चला होगा, किसी नाथूराम गोडसे ने गांधी बाबा की हत्या कर दी। आजादी महंगी पड़ गई, क्या बिगाड़ा था उन्होंने। अच्छा
इतना नीच काम कोई कोई कैसे कर सकता है? सोच रहे हैं? सारी उम्र जिस आदमी की बुराई करते मैं नहीं थकता था, आज उसकी मौत पर पता नहीं क्यों मैं विचारों का विरोध तो हो सकता है, लेकिन किसी की हत्या? भैया, कोई सवारी नहीं मिल रही है, ये नारायणपुर तक जाना है। बहुत मेहरबानी होगी अगर आप छोड़ दें तो। हम तो दूसरी तरफ जात रहे बाबू साहब, लेकिन गांधी बाबा कहे हैं सबका मदद करना चाहिए। आई बैठ जाए। काका, गए बेटा, बहुत याद करती थी वो तुमको। आ,
कुछ महीने वो नाराज रही, मगर माँ तो माँ होती है। कई खत लिखे उसने तुमको, मगर सारे खत बैरन लौट आए। अपनी माँ को माफ करते बेटा, लौटा। दुनिया में तुम्हारे सिवा और कौन है मेरा? इतना नाराज है कि माँ का खत भी लौटा दिया। मैं बहुत बुरी माँ सही, तू तो मेरा अच्छा बेटा है ना। अपनी माँ को माफ कर दे बेटा। बहू तुम ही समझा कर ले आओ इसको, लगता है तुझे बगैर देखे ही इस दुनिया से चली जाऊंगी। एक बार आ जा बेटा, एक बार अपनी माँ के पास। मैंने अपना मकान बदल दिया था, मुझे एक भी खत नहीं मिला। मैं सोच रहा था कि मां मुझसे वो बीमार थी ना। वो बिल्कुल स्वस्थ थी, दिन रात अपने आश्रम के काम में और गांव वालों की सेवा में लगी रहती थी। कुछ रोज पहले एक रात प्रेम मगन कौसल्या निसी दिन जात न जान, सूत सने बस माता बाल चरित्र कर गान। प्रेम में मगन कौसल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जानती थी। पुत्र के स्नेह वश माता उनके बाल चरित्रों का गान किया करती थी। उनकास क्या हुआ बेटा? शेरपुर के हिंदुओं ने हमला बोल दिया, वो यही आ रहे हैं, हमें जान से मार देंगे, हमें बचा लीजिए अम्मा जी। कुछ नहीं होगा, घबराओ मत, चलो सब अंदर चलो, चलो जल्दी, चलो चलो अंदर चलो, जल्दी आओ। मीकू काका आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जाइए नहीं लेकिन अंदर जाइए और कुंडे लगा लीजिए। अरे तुम कहाँ जा रही हो? अरे कहाँ जा, आप भी उनके साथ अंदर जाइए, मैं बाहर दरवाजे पर खड़ी रहूंगी। अच्छा बचा रही हूँ। वो इंसान नहीं हैवान है, सामने से हट जाओ वरना चोट खा जाओगी। भले ही मार दो मुझे, पर जब तक जिंदा हूँ ना तुम सबको हैवान नहीं बनने दूंगी मैं। ये गांधी की चेली है, ये नहीं मानेगी। तो देख क्या रहो साथियों, मारो इस बुढ़िया को। Allah!
हम सबको अल्लाह का वास्ता, हम सब यहाँ बिल्कुल महफूज हैं। अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी। आइए अम्मा जी को देखिए, इन्होंने हमारी जान के लिए अपनी जिंदगी की परवाह नहीं करी। अब हमारी बारी है, हम भी किसी का एक बूंद खून नहीं बहने देंगे। चाची, खून खराबा बंद करो, बंद करो मेरे बच्चों, नफरत से कुछ हासिल नहीं होगा। फेंक दो हथियार, फेंक दो। सावित्री, सावित्री, तुम्हारी माँ हिंदुओं की लाठी से मरी, मगर सच कहें तो न हिंदू न मुसलमान, उसको नफरत की आग ने मार दिया। कुछ रोज पहले तुम्हारी माँ ने कुछ लिखा था तुम्हारे लिए, बेटा कैलाश और बहू सदा सुखी रहो, हो सकता है किसी दिन तुम्हें अपनी अभागी मां की याद आ जाए और तुम घर लौट आओ, पर तब पता नहीं मैं जिंदा रहूं ना रहूं, इसलिए जो तुमसे कहना है वो यहां लिख रही हूं। बेटा, हमारे देश को बड़ी कुर्बानियों के बाद ये आजादी मिली है, इसकी हिफाजत करना अब तुम जैसे नौजवानों और आने वाली पीढ़ियों की जिम्मेदारी है। आजकल देश में धर्म के नाम पर जिस तरह खून बहाया जा रहा है, उसे सुनकर मन बहुत दुखी रहता है। बेटा, हर धर्म एक शिक्षा देता है, सबको प्रेम करो, सबकी मदद करो, सम्मान करो, झूठ मत बोलो, धोखा मत दो, लालच मत करो, ये मूल शिक्षाएं कोई नहीं मानता। सब अपने अपने कर्म कांडों में बटकर नफरत की दीवार खड़ी कर लेते हैं। तू ऐसा मत करना बेटा, मैं जानती हूं तू बहुत धार्मिक है, और जो वास्तव में धार्मिक होगा वो सबसे पहले एक अच्छा इंसान होगा, एक अच्छा इंसान जो हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग से प्रेम करेगा, सम्मान करेगा। यही एक रास्ता है बेटा देश को आगे ले जाने का, यही गांधी जी सिखाते हैं। तुम इसी रास्ते पर चलना बेटा, लोग मर जाते हैं, उनके विचार नहीं मरते, तुम गांधी जी के विचारों को हमेशा जिंदा रखना, वरना ये देश मर जाएगा। सुनिए, सुनिए, संभालिए अपने को, संभालिए। हमारी नफरत ने गांधी को मार दिया। हमने गांधी को मार दिया, हमने माँ को मार दिया, हमने माँ को मार दिया। चुप हो जाए।
बहू। चाची चरण स्पर्श। खुश रहो, कितनी प्यारी लग रही हो। ये लो। ये क्या है चाची? तुम्हारे गहने और जमीन जायदाद के कागजात। शहर में ही रहना है तो यहाँ का सब बेच दो, अच्छे पैसे मिल जाएंगे। ये तो वो ही बता सकते हैं। कहाँ है कैलाश? आइए। वैष्णव जन तो देने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो देने कहिए, पीड़ पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे, पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान ना आने रे। वैष्णव जन